नाज़रीन आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने सलीम साफ़ी के बयान पर तनकीदी जवाब देते हुए कहा कि आपके बयान का ना कोई सर है और ना कोई पैर। मज़ीद तफ़सीलात जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को प्रेस कर लें। तो आपको मज़ीद तफ़सीलात से भी आगाह करते चलें कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर सलीम साफ़ी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान भी एक अजीब रियासत है, यहाँ लोग अपने मसलों का सियासी हल निकालने पर तैयार नहीं, मगर अशरफ गनी और तालिबान पर जोर दिया जा रहा है कि अफ़गान कज़िये का सियासी हल निकालें। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क में इमरान ख़ान, नवाज शरीफ और जरदारी साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन अफ़गान फरीकों से कह रहा है कि आपस में बैठ कर हल निकालो। सलीम साफ़ी के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा कि आपकी इस राय का सर है न पैर, अफगानिस्तान की क्यादत ने अपने आइन पर इत्तफाक करना है। फवाद चौधरी ने मज़ीद ये भी कहा कि बाकी सियासी आरा और हिकमत अमली सियासी जमातों की मुख्तलिफ होती हैं और ये है जमहूरियत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सियासी तौर पर एक सतह पर लाना लाइल्मी है। ये थी अब तक की लोकल व्यूज़ ताज़ा तरीन। मज़ीद किसी भी अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल लोकल व्यूज़ टी वी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।